जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम थेरीज शुरू करने लगे हैं, और थेरीज के लिए जो पहला ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जनरली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो जब थेरीज को तैयार कर रहे होते हैं तो वो बस थेरीज के फीचर्स पढ़ लिए, पॉइंट्स देख लिए थेरीज के, और समझा कि हमारी चीज़ जो है वो तैयार हो गई है, पॉइंट्स तैयार हो गए। लेकिन ऐसा ठीक है, नोट्स फॉर्म की तैयारी के लिए तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह की पेपर्स की डिमांड आती जा रही है और जिस तरह वो थेरीज को कोरिलेशनिंग में पूछ रहा है तो उसमें फिर बड़ा इशू है। सो थेरीज का पोर्शन जो है उसको फिर अच्छे तरीके से करना जरूरी है। थेरीज के कॉन्टेक्स्ट में जनाब पहली बात जिसको जहन में रखना जरूरी है वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में थेरीज तीन आप उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आईआर की थेरीज को, आईआर की थेरीज तीन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से, देर आर थ्री फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, तीन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस से बाहर नहीं आईआर की थेरीज। तो उन तीन ट्रेडिशंस का हमें पता होना चाहिए। और पहली जो ट्रेडिशन है उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रेडिशन। दूसरी ट्रेडिशन जो है उसको कहते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन। और तीसरी ट्रेडिशन तो नहीं है लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। आईआर की थेरीज इन तीन जो है फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस और इन पे बिलीव करती है। हम इसको एक लम्हे के लिए पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच को भी एक ट्रेडिशन, क्योंकि अब एक रिच ट्रेडिशन हो गई है 40-50 साल की, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की ही डिबेट्स को हो गई है सोशल साइंसेज में, तो उसका इम्पैक्ट फिर आईआर पे। सो इन तीन को फिर देखना वो बड़ा जो है वो जरूरी है कि हमें पहले ही पता होना चाहिए। एज फार एज यूनिवर्सल ट्रेडिशन इज कंसर्न, ये क्लास के बाद मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा जो इसका सोर्स है। यूनिवर्सल ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल ट्रेडिशन लार्जली दो हिस्सों में हमें ऑपरेट होती नजर आती है इस दुनिया में, या आईआर की डोमेन में, और इवन आईआर से पहले भी, क्योंकि आईआर का डिसिप्लिन तो 20th सेंचुरी में बना। 20th सेंचुरी से पहले भी तो वर्ल्ड व्यू, ये दुनिया कैसे चल रही है, इसको कैसे चलना चाहिए, इसके नॉर्म्स, इसके लॉज, कोई ना कोई हर दौर में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी लॉज से डिराइव्ड होके हमारी इंटरेक्शंस आपस में चलती थी। ये अलग बात है कि डिसिप्लिन 20th सेंचुरी के शुरू में आ गया तो तब से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजें सामने आ गई, लेकिन हर दौर में चलता रहा कुछ ना कुछ। तो यूनिवर्सल ट्रेडिशन, इसमें हम देखते हैं कि दो तरह की फर्दर जो है वो हमें लॉज दो तरह की कि जिन पे रहते हुए आओ हम दुनिया में चले। इस दुनिया में नेशन स्टेट सिस्टम से बहुत पहले सिविलाइजेशंस भी थी, सोसाइटीज भी थी, तो कोई ना कोई नॉर्म्स या लॉज तो बनाए लोगों ने कि हम इसके मुताबिक चलेंगे, उसके मुताबिक ऑपरेट करेंगे। तो उसमें हमें यूनिवर्सल ट्रेडिशन है दो तरह के लॉज ऑपरेट होते नजर आते हैं। एक डिवाइन लॉज, डिवाइन लॉज खुदा की तरफ से, मजहब की तरफ से, सही है जी। और दूसरे नेचुरल लॉज तो इंसानों ने खुद बनाए, दोनों के डिवाइन लॉज भी एंड नेचुरल। डिवाइन लॉज गॉड की तरफ से, रिलीजन की तरफ से आए, नेचुरल लॉज जो इंसानों ने खुद बनाए। यूनिवर्सल ट्रेडिशन है क्या? यूनिवर्सल ट्रेडिशन ये है कि हम इंसान प्रोग्रेस कर सकते, हम आगे बढ़ सकते, सही है जी। हमने आगे बढ़ने के लिए पीस को कैसे अडॉप्ट करना है, पीस के कौन से मॉडल्स को अडॉप्ट करना है, सही है जी। हमने आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है और डेवलपमेंट का पाथ उसको पकड़ कर मसाइल हल कर, सही है जी। इसके पस मंजर में हम नजर डिवाइन लॉज,
कैसे आगे बढ़ना है, कैसे निर्वाण हासिल करना है, कैसे जन्नत हासिल करनी है, कैसे आपस में मिलजुल के रहना है। समझ आ रही है जी? एक सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करना। सो हम इंसानी तारीख में देखते हैं कि एक अरसे तक इंसान डिवाइन लॉज के मुताबिक, मजहब क्या कह रहा है या रिलीजियस अथॉरिटी क्या कह रही, सही है जी, या इंडिविजुअल जो रिलीजन को गाइड कर रहा है वो क्या कह रहा है, तो उन्हीं को लेके अपनी डोमेस्टिक तो हमने लाइफ उसको तो बेहतर किया ही किया है, साइमल्टेनियसली उन्हीं लॉज की रोशनी में अदर्स के साथ भी रिलेशंस कैसे डेवलप करनी। सो एक तो हमें डिवाइन लॉज का कॉन्टेक्स्ट, ये बड़ी बड़ी बेबिलोनिक जो बेबिलोनिया की सिविलाइजेशन हो गई, सुमेरियंस हो गए, असीरियंस हो गए पास्ट, ये सब किसी न किसी मजहब के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। तो हम इस्लाम में भी देखते हैं कि भाई एक खिलाफत जो है वो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऑपरेट करना है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है। अगर वॉर हो जाती है तो फिर लॉज ऑफ वॉर भी हैं इन्हीं डिवाइन लॉज के तनाजुर में कि कैसे ट्रीट करना है। समझ आ रही है? तो एक अरसे तक हम देखते हैं कि दुनिया में डिवाइन लॉज के तनाजुर में दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन, सही है? तो उन इंटरेक्शन को डिवाइन लॉज के तनाजुर में हमने ऑपरेट करना है, क्योंकि इसी से हमें पीस मिलेगा, इसी से डेवलपमेंट होगी, इसी से जनाब हम अमन का गहवारा बन के रहे, सही है जी? तो यूरोप में, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन यूरोसेंट्रिक है, तो हम देखते हैं फिर कि यूरोप में खास तौर पर 16th, हम क्लासिकल और पोस्ट मॉडर्निस्ट को आगे कर लेंगे, फिर इनको यहाँ से हम कर लेंगे, इसी इन्हीं को हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों को। तो हम देखते हैं कि यूरोप में जो खास तौर पे 16th प्लस 17th सेंचुरी का टाइम है, इस टाइम में यूरोप में क्रिश्चियनिटी में शिज्म तो बहुत पहले से मौजूद थे क्रिश्चियनिटी में, डिवाइड क्रिश्चियनिटी में वो तो 11th सेंचुरी से मौजूद है, जब कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च में यूरोप डिवाइड हो गया, लेकिन वो एक मजहबी तकसीम मौजूद थी। लेकिन 16th और 17th सेंचुरी में खास तौर पर उस मजहबी डिवाइड के साथ साथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़ना शुरू हो गए कि भाई कैथोलिक चर्च वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, तो एक हमें रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिकल डिवाइड भी डेवलप होती नजर आई, जिसका एंड हुआ ये कि यूरोप में 16th सेंचुरी में भी कुछ वॉर्स हुई मजहब की नाम पे, लेकिन ज्यादा 17th सेंचुरी में, और 17th सेंचुरी में जो वॉर्स हुई उसको फिर कहते हैं 30 ईयर्स वॉर, 1618 से 1648। इस वॉर में यूरोपियंस ही यूरोपियन से लड़े, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से लड़ा। सो वो जो एक ऑरा बना हुआ था तारीखी तौर पर कि भाई एक कैथोलिक चर्च के अंडर और बेहतरीन आप चल सकते हैं, और क्रिश्चियनिटी में तो कोई कत्लो गारत नहीं है, ठीक है जी, अमन ही अमन होना है, तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चन कि भाई तकरीबन 8 to 10 मिलियन रफ एस्टिमेट है जनाब कि क्रिश्चियन मर गया यूरोप में, यूरोप की आपस की लड़ाइयों 30 ईयर्स वॉर। इशू रिलीजियस भी था बट साथ साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी का भी था। तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई डिवाइन लॉज कैसे प्रोग्रेस, कैसे पीस, कैसे डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं भाई, ये यूरोप लड़ पड़ा आपस में मजहब के नाम पे लड़ पड़ा, सियासी इख्तलाफात जो मजहब से डिराइव हुए उसके नाम पे लड़ पड़ा, सही। सो हमें फिर 17th सेंचुरी से ही यूनिवर्सल ट्रेडिशन में डिवाइन लॉज का आइडिया सेट असाइड होता नजर आता है, और वही प्रोग्रेस पीस एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूरोप के फिलोसोफर्स 17th सेंचुरी के वो आपको एम्फोसाइज करते हैं ओवर नेचुरल लॉज कि भाई एक डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी और आपस के रिलेशन में भी नेचुरल लॉज के मुताबिक जो है वो हम ऑपरेट करें तो ज्यादा बेहतर। और इसकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि जब 1648 में 30 ईयर्स वॉर खत्म हुई और ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, तो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया में सॉरी हम देखते हैं कि जनाब इसमें लगभग 400 यूरोपियन फिलोसोफर्स, एक्सपर्ट्स इन जुरिस्प्रूडेंस, इंटेलेक्चुअल्स ये बैठे हैं
और इन्होंने बैठ के आपको ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया का आइडिया दिया। नेचुरल लॉज क्या है? नेचुरल लॉज कि हाँ ठीक है, इसको जब उर्दू में हम देखेंगे तो हम कहेंगे जनाब के कानून फितरत पर मबनी, लेकिन इंसान फितरती तौर पे उसको क्या चाहिए? सही जी? तो वो अब हम किसी डिवाइन लॉ से नहीं चलेंगे, अब हम खुद डिटरमिन करेंगे। सही है जी? इंसानों को लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, समझ आ रही जी? इंसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब उनकी लिबर्टी, सही, और इंसानों को उनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक बड़ा वेग, मतलब ये नहीं है कि जमीन का टुकड़ा, मतलब काम करने के भी मौके और फिर आगे बढ़ने के मौके, ये इंसानों को फितरी तौर पर इंसानों के लिए ये चीजें ये जरूरी है। तो इनको हमने ऐसे लॉज बनाने कि अल्टीमेट मकसद तो प्रोग्रेस पीस एंड डेवलपमेंट ही है, मतलब कि वॉर्स कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें लोगों की लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को इंश्योर करना। सही? तो ये तो जो लोगों की लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी इंश्योर करेंगे, ये आप करेंगे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन से, डोमेस्टिक प्रोविजन से, लोगों के लिए एक मुल्क के अंदर। ये तो समझ आती है बात, ओके ठीक। बट जब आप यूरोप में ये भी स्टेट, 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 अब ये इनके आपस में भी तो ये एक दूसरे की लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को इंश्योर कर। सही? सो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया में हमें होता, और साथ ही फिर 17 सेंचुरी के जितने बड़े फिलोसफर्स हैं, हॉब्स, लॉक, हुगो ग्रोशियस, डेकार्ट, इन सब की तहरीरों में हमें वन वे और दी अदर, सबका तरीका अपना अपना है, लेकिन मकसद ये अल्टीमेटली के लोगों का कि लाइफ लिबर्टी इंश्योर हो। और हुगो ग्रोशियस उसको ले जाता है इस लेवल पर कि भाई फिर जो अब अथॉरिटीज बन गई हैं, जो स्टेट्स बन गई हैं, ये आपस में एक दूसरे की लाइफ, अब स्टेट की लाइफ, स्टेट की लिबर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी, इवन कुछ चीजों को भी इंश्योर किया जाए, समझ आ रही है? तो हमें 17 सेंचुरी में फिर आइडियाज डेवलप होते नजर आते हैं, जो आपको नेशन स्टेट सिस्टम में बताया था, ऑल विल कंसीडर ईच अदर एज इक्वल। रिस्पेक्ट करेंगे लिबर, ये करवाया था ना जी नेशन स्टेट सिस्टम, ऐसे ही सब एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की को इंश्योर करेंगे, एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरवेंशन नहीं करेंगे। सही है जी? प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी, स्टेट चार दीवारी उसकी, उसकी चार दीवारी होगी ना जी, ये बाउंड्री होगी, तो अब ये दूसरी स्टेट उसकी बाउंड्री में इंटरफेयर नहीं करेगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सही है जी? एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बेसिक अजम्पशंस के जिन पर भाई, और इन पे फिर आगे पूरे और काम भी, इन पे लॉज भी बनेंगे, इंटरनेशनल लॉज भी बनेंगे, एक दूसरे के साथ डायलॉग भी करेंगे। अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है कि हमने प्रोग्रेस, पीस एंड डेवलपमेंट। सही? इंटरनेशनल रिलेशंस में एज अ डिसिप्लिन हमें दो ऐसी थ्योरीज हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रेडिशन बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज इस पर ऑपरेट करती नजर आती है थ्रू आउट पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में। एक है जी हर तरह का लिबरलिज्म, चार पांच वेरिएशन है इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म की, लेकिन अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है तमाम तरह के लिबरलिज्म का वो यही है कि हमने कैसे पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट इंश्योर करनी, कैसे कॉपरेट करना। तो वो जुड़ जाती है बात किसके साथ? यूनिवर्सल के बेस करेगी बात हमारी सारी नेचुरल लॉस। सही है? अब ये कोई डिवाइन लॉ नहीं कर सकता, तमाम तरह का लिबरलिज्म इस पे फॉलो करे। और दूसरा, तमाम तरह का मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि मार्क्सिस्ट भी एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहते हैं भाई लोगों का फायदा करना ना जी, लोगों का भला करना, कैसे करना, तरीका डिफरेंट है, लेकिन पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट उनका अपना
तरीका, लेकिन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन भी वो मौजूद है इसमें, यूनिवर्सल ट्रेडिशन महासवाय एक के, वो जब आएगा जब थेरीज को डिटेल में करेंगे, क्रिटिकल थेरी, बाकी तमाम लेनिन हो गया, फिर ग्रामची हो गया, फिर वोलस्टेन हो गया, फिर डिपेंडेंसी थेरी का मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन हो गया, समझ आ रही जी? तो ये सारे हम करेंगे डिटेल में. सो एक तो हो गई आपकी यूनिवर्सल ट्रेडिशन, यानी जब भी हम कोई लिबरलिज्म या मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में रहते हुए कोई थेरी पढ़ रहे हो, तो हमारे अंडरलाइन जेन में ये बात रहनी चाहिए कि ये जिस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से डिराइव, उसने अपनी उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना. इनमें तमाम में नेचुरल लॉज ऑपरेट करते नजर आएंगे, ये तमाम इंडिविजुअल पे फोकस करते नजर आ रहे होंगे, थ्रू स्टेट करवा लें, थ्रू इंस्टीट्यूशन करवा लें, या स्टेट के आइडिया को रिजेक्ट करके करवा लें मार्क्सिस्ट. लेकिन अल्टीमेटली प्रोग्रेस पीस डेवलपमेंट करनी कैसे, सही है जी? सो ये एक पूरी एक ट्रेडिशन, रिच ट्रेडिशन, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमें इंटरनेशनल रिलेशन में दो बड़ी थेरीज और इनमें आगे फर्दर जितनी भी वेरिएशन है उनमें नजर आती, सही है जी? ये बात समझ आती. हमें जो भी थेरीज पढ़नी है तो हमें ये पहले पता होना चाहिए, भाई हम उससे बहके ना, फिर थेरी पढ़ते पढ़ते हम कहीं और ना निकल जाए. तो भाई उसका कोर एरिया वो पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स, सारी चीजें साथ कनेक्ट होगी ना जी, सही? और जिस पैटर्न पर आप डोमेस्टिक एक स्टेट के अंदर या एक अथॉरिटी जैसे लोगों के हकूक या लोगों की जरूरियात पूरी करती है, वही पैटर्न इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी अप्लाई हो सकता है और उसी से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होगी. समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आती? दूसरी फिर जो ट्रेडिशन है इंटरनेशनल रिलेशन, उसको आप कह रहे हैं क्लासिकल ट्रेडिशन. ये भी साइमल्टेनियसली हर दौर में चलती आई. देखने का एक वर्ल्ड व्यू आपका एक ओपिनियन है ना जी, कि आप दुनिया को लिबरल ट्रेडिशन में ही, नेचुरल लॉज की ट्रेडिशन में देखने के, हाँ भाई ऐसा ही हो रहा था, या आप क्लासिकल ट्रेडिशन में देख, सही जी? क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव करती इस बात पे कि जनाब कोई भी अथॉरिटी वो उसी अपने इंटरेस्ट पूरे कर सकती जब पावर होगी उसके पास. जो पावर में होता है, जिसके पास पावर होती है, वो अपने इंटरेस्ट, अपनी जरूरियात बेहतर तौर पर पूरा कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी बेहतर कर सकता है, अपने आप को बाकियों से डिफेंड बेहतर कर सकता है, सही है जी? सो क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव करती है इस बात पे कि जो पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ये सारा जो फ्रेमवर्क है, इससे बहुत पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है आपकी स्टेबिलिटी. वो क्या है? आपकी स्टेबिलिटी. तो आपको स्टेबल होना है. आप स्टेबल होंगे, आपका सर्वाइवल होगा, तभी आप बाकी काम कर सकेंगे. अगर आप स्टेबल ही नहीं है तो फिर पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट वाला सारा खाना दब जाए, सही? क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव करती है कि पावर डिटरमिन्स मोरालिटी, पावर डिटरमिन्स मोरालिटी. मोरालिटी जो आपकी चार दीवारी के अंदर, एक स्टेट के अंदर है, इखलाकी अकदार, इखलाकी अकदार, एक चार दीवारी के अंदर जो अखलाकी अकदार, ये वो चीज नहीं है मोरालिटी. एक मुल्क के अंदर कौन सा मजहब है, लोगों की क्या सकाफत है, उसमें रहते हुए छोटे बड़ों के साथ कैसे बोलते हैं, बाकी मामलात क्या हैं, समझ आ रही जी? लोगों की एक दूसरे के साथ डीलिंग क्या है, उसके लिए अब वो किसी मजहब से चीज ड्राइव कर लें या नेचुरल लॉस की सूरत में उन तक आ जाए चीजें, ये इखलाकी इकदार. यहाँ इस सेंटेंस में इसका मतलब मोरालिटी का इखलाकी इकदार नहीं है. पावर अपनी मोरालिटी डिटरमिन करती. मोरालिटी बेसिकली है क्या? इखलाकी इकदार मोरालिटी है क्या? हम पैदा हुए, हम जिस माचरे में पैदा हुए उसने हमें बता दिया
कि भाई हमारे माशरे में ये एक दो तीन स्टेप्स में रहते हुए आपने ऑपरेट करना है, ठीक है जी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लोग कहेंगे गंदा आदमी, बुरा आदमी, गलत आदमी, समझ आ रही है जी। तो ये बेसिकली क्या बताया गया आपको कि हमारी सोसाइटी में भाई कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है। बड़ों से अस्सलाम वालेकुम कहना है, छोटों से शफकत से पेश आना है, यतीमों का माल नहीं खाना, ये क्या है सारी, ये मोरालिटीज हैं। अब वो रिलीजन से आ रही हो या कल्चर से आ रही, सही है जी। तो बेसिकली वो क्या है, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप तक पहुंचा दिए गए, सही। इसी तरह लाइकवाइज एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट, इनमें जो पावरफुल स्टेट है भाई वो डिफाइन करेगी कि सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे जिसके मुताबिक इन सब ने चलना, समझ आ रही जी। तो हर दौर में क्लासिकल ट्रेडिशन उसमें तो ऐसा ही होता है, सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीछे तो आपने नेचुरल लॉज और डिवाइन लॉज, तो क्लासिकल ट्रेडिशन किन लॉज पर फोकस कर, क्लासिकल ट्रेडिशन फोकस करती है ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज, ऑब्जेक्टिव लॉज। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉ एंड ऑब्जेक्टिव लॉ, नेचुरल लॉ कानूने फितरत के मुताबिक इंसानों की जरूरियात पूरी करने के लिए इंसानों की तरफ से बनाए हुए लॉज, समझ आ रही है। इंसान फितरी तौर पे आजाद है, उसकी इस फितरी आजादी को हम कैसे इंश्योर रख सकते हैं, उसके लिए कुछ इंसानों ने मिलकर कानून बनाए, वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल लॉज, ठीक। होंगे कानून फितरत के मुताबिक क्योंकि फितरी तौर पर इंसान आजाद है, लेकिन बनाए इंसान। ऑब्जेक्टिव लॉज इंसान नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लॉज वो लॉज के जो सेटल्ड फैक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव लॉ है कि अगर मैं इस चीज को हवा से जमीन की तरफ छोड़ूंगा तो ये जमीन की तरफ आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये मेरे आपके कहने से चेंज नहीं होना, सही। ये बात समझ आ रही है। सो ये जो हम इंसान है ना जी, और हम जो अथॉरिटीज और जो स्टेट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव लॉज में चलते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव लॉ, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं। यानी हमारी इंटरेक्शंस दूसरों के साथ, दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी अथॉरिटी के साथ, वो ऑब्जेक्टिव लॉज के तनाजुर, सही। बहुत बाद में चल के इस बात को मॉर्गेंथो ने जोड़ दिया विद ह्यूमन नेचर, विद ह्यूमन नेचर, लेकिन वो बाद की बात है, अभी की इसकी जरूरत नहीं, अभी इसको अभिषेक आप इग्नोर कर, ये बात समझ आ रही जी। और इन ये ऑब्जेक्टिव लॉ है कि भाई सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। आप स्टेबल होंगे तो तब आप बाकी काम, यानी कि क्लासिकल ट्रेडिशन नेचुरल लॉज को रिजेक्ट नहीं करती। हाँ ठीक है, एक मुल्क है उसकी चार दीवारी के अंदर आपने लोगों को हकूक देने, आप दें, कोई मसला नहीं। ये भी इनके नजदीक ऑब्जेक्टिव लॉ है क्योंकि ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि तो उसने ये काम कर, अगर वो हकूक नहीं देती, कुछ और कर रही है, तो फिर जाहिर है स्टेबिलिटी सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। और फिर साथ दूसरी और तीसरी और चौथी स्टेट है, अगर आप उनकी तरफ अपनी इंटरेक्शंस डेवलप स्टेबिलिटी के फिनोमेना को इग्नोर करके करते हैं तो फिर वॉर्स होंगी, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। सो फिर क्लासिकल ट्रेडिशन जब ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया को देखती है, उसने भी तो देखना ना, वो कहेगी फिर कि ये जो इक्वालिटी आप दे रहे हैं ना, ऑल आर इक्वल, तो ये ऑल आर इक्वल सो दैट के सिस्टम स्टेबल रहे। बात समझ आ रही है, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इसकी को अबाइड बाय करें, तभी सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल। सिस्टम स्टेबल होगा तो तब उसके बाद आगे पीस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का काम चलेगा। सेम पॉइंट है,
इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ गई, सोच डिफरेंट हो। तो उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को लिबरल्स भी हाईलाइट करते हैं, उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को रियलिस्ट भी। ये तमाम क्लासिकल ट्रेडिशन में जो आईआर की जुबानबंदी में हम देखेंगे, वो देखेंगे जितनी भी रियलिज्म की इंटरप्रिटेशंस हैं, थेरीज हैं, डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी क्लासिकल ट्रेडिशन। पावर डिटरमिन्स मोरालिटी, ये कुछ यूरोप की पावर्स ने मिलके ये मोरालिटी सेट की है, खुद ब खुद सेट नहीं होगी। सही है, यूरोप की कुछ पावर्स ने मिलके ये मोरालिटी सेट की ना जी, जिनको आप कह देते हो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब भाई इसके मुताबिक चलोगे तो स्टेबिलिटी होगी, ये क्लियर है जी। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्लासिकल ट्रेडिशन कहती पहले भाई अपने आप को स्टेबल करो। अब इसमें मुख्तलिफ स्कॉलर आएंगे, वो बताएंगे, कुछ बताएंगे कि स्टेबल करने के लिए मिलिट्री पावर बना लो। सही, जिसने मिलिट्री पावर बना ली वो आप स्टेबल भी होगा, अपने इंटरेस्ट भी पूरे कर सकेगा। सही, कुछ आएंगे वो कहेंगे नहीं ओवरऑल नेशनल पावर बढ़ाओ, सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं। क्लियर है जी। तो आगे वो आगे थेरीज में रियलिज्म के अंदर फर्क आते जाएंगे, लेकिन ये दूसरी रिच ट्रेडिशन है। अगर इस रिच ट्रेडिशन को हम हिस्टोरिसाइज करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो फिर थ्यूसिडाइडिस का, क्योंकि थ्यूसिडाइडिस ने ये पहली दफा बात की थी कि पावर डिटरमिन्स मोरालिटी। सही है जी, और पावर को एग्जिबिट भी होना है फिर जाहिर है। ये दूसरी बड़ी ट्रेडिशन होगी। अब अगर हम इस यूनिवर्सल और क्लासिकल ट्रेडिशन को देखें और इसके अंदर जो लॉज ऑपरेट कर, पूरी रियलिज्म में जितने भी स्कॉलरशिप आई है वो ऑब्जेक्टिव लॉ से पीछे नहीं हटेगी, ऑब्जेक्टिव लॉ से पीछे नहीं हटेगी। कोई कह देंगे जनाब अनार्की के, अनार्की एज अ स्ट्रक्चर है, कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा, ठीक है, लेकिन रहेंगे ऑब्जेक्टिव लॉ। अब जो बुनियादी फर्क है यूनिवर्सल ट्रेडिशन एंड इसमें क्लासिकल ट्रेडिशन, यूनिवर्सल ट्रेडिशन फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर कैसा होगा, हम अपने हालात बेहतर कैसे बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक नजर आती है हमें। यानी यूनिवर्सल ट्रेडिशन वो फ्यूचरिस्टिक है, क्लासिकल ट्रेडिशन ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर को रिजेक्ट करती है कि हम आगे हमारा क्या बनेगा जी, हमारा आगे क्या बनेगा, ऐसा नहीं कहते कि जनाब हमने को फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते। बट लार्जली क्लासिकल ट्रेडिशन वो आपके कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट में अभी जो हालात हैं इनको आपने स्टेबल या इनको बेहतर कैसे करना, ये बेहतर हो जाए आप एक्वायर कर लें रिसोर्सेज, पावर एक्वायर कर लें, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, फिर आप करें जो करना। आप समझ आ रही है, बात समझ आती है। सो ये किसी भी तरह नहीं समझते, जो हमारा फ्रेमवर्क हमने बना दिया बस उसमें पहले आप स्टेबल हो, उसके बाद आप जो करना कर। और इस तरफ ये एक्यूज करते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन में कि भाई ये स्टेबिलिटी का फिनोमेना होता है तो तभी आगे डेवलपमेंट पीस होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, सही है जी, थ्रेश होल्ड ऑफ सिविल वॉर हो, थ्रेश होल्ड ऑफ वॉर हो, तो पहले आपने उसको एड्रेस करना। ये जरूरी नहीं है कि कोई वॉर नहीं हो रही तो आप समझें कि पीस है, जरूरी नहीं। पीस एक बड़ा ग्रैंड फिनोमेना है। सो असल में अथॉरिटीज और रियासतें हर दौर में क्या करती हैं, वो पीस के लिए काम नहीं करती जनाब, वो अवॉइडिंग वॉर के लिए काम करती, अवॉइडिंग वॉर। ये क्लासिकल ट्रेडिशन कहते हैं पीस एक अल्टीमेट पीस एक पॉसिबल ही नहीं है क्लासिकल ट्रेडिशन के लिए। रूलर्स अथॉरिटीज अपनी पावर बनाती हैं, मिलिट्री पावर बनाती हैं, जो भी करती हैं अपनी अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, यही रियल फिनोमिना है इनके नजदीक। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एडवोकेट्स ऑफ क्लासिकल
ट्रेडिशन, और यही चीज हमें बार बार रियलिज्म में वो नजर आती है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रियलिज्म कहता है कि जनाब वॉर करनी है तो कर जो। वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, बट स्टेट अवॉइड करने की कोशिश करती है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखती है, बट स्टेट वॉर को अवॉइड करना चाहती है। और वॉर अवॉइड होगी कि आप कितने स्टेबल हैं, आपकी पावर कितनी है, सो दैट के दूसरा हजार दफा सोचे आपके साथ वॉर करने की। अपने ना चीज ही बदल गई, वही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, वही पॉइंट्स हैं जो पहले और तरह से इंटरप्रेट हो रहे थे, अब और तरह से दोनों ठीक है। आईआर की कुछ स्कॉलरशिप क्लासिकल ट्रेडिशन पे बिलीव करती है और आईआर की कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सल ट्रेडिशन। हमें ये जो फ्रेमवर्क है ये भूलना नहीं चाहिए, तब हमारी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर रहेगी, वो खराब नहीं होगी। अगर हम मेयरली थ्योरीज के फीचर पढ़ते जाएंगे तो कभी भी हम उनको फिर इफेक्टिवली कोरिलेट नहीं कर सकें। और तीसरा फिर आपके पास आ गई पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल और क्लासिकल से हटके। सही है जी। पोस्ट मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन ही समझ लें अब एक किस्म की, क्योंकि 1960s से तो ये आइडियाज पोस्ट मॉडर्निज्म के इवॉल्व होना शुरू हो गए, फिर डिसिप्लिन में भी आ गया आईआर, हल्का सा टच कंस्ट्रक्टिविज्म को भी लगा, मुकम्मल टच रेस थ्योरी को लगा, फेमिनिज्म को लगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को लगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लगा। सोचना इनके नजदीक पहली बात तो ये कि किसी भी तरह का लॉज के तनाजुर में एक वर्ल्ड व्यू बनाना, हम इस पे इतराज करते। लॉज बना के आपने, हाँ हम इन्हीं के मुताबिक चलेंगे, कोई नेचुरल लॉज वाले हो गए और बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज वाले हो गए, यूनिवर्सल और क्लासिकल ट्रेडिशन। तो ये सर्टन लॉज, अच्छा अब ये लॉज साइंटिफिक भी हो सकते, ये लॉज सोशल साइंस के भी हो सकते, कोई भी तरह, ठीक है। लॉज की बुनियाद पर कानून बना के, फार्मूले बना के आप एक दुनिया का नक्शा खींचना चाहते हैं, हम नहीं मानते। सही है जी। जो एक्सप्लेनेशंस यूनिवर्सल और क्लासिकल ट्रेडिशन ने डेवलप की इंटरनेशनल रिलेशंस, हम नहीं मानते। सही है जी। ये जरूरी नहीं है कि एक शख्स, अच्छा अब ये लॉज में ना पॉजिटिविज्म भी आ जाता, अभी हम आगे चल के उसको बात करेंगे, ये मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तो वो भी आ जाता कि एक सच ट्रेस कर। सही जी। सो ये जो है ना जी, कि फाइंडिंग अ ट्रुथ, फाइंडिंग ट्रुथ, सच्चाई की तलाश, तो सच्चाई एक होती नहीं जी। यानी यूनिवर्सल ट्रेडिशन अपने तरीके से सच को तलाश करती, क्लासिकल ट्रेडिशन अपने तरीके से कि देखें जी हम के कैसे स्टेट्स इंटरेक्ट करती, तो आओ हम अपने तरीके से बता। एक ने यूनिवर्सल ट्रेडिशन अपने तरीके से बताया, उन्हीं चीजों को इसने क्लासिकल ट्रेडिशन ने अपने तरीके से बताया। तो ये जो फाइंडिंग ट्रुथ है ना जी, ये बीमारी है, ये खराबी है। सच एक होता ही नहीं, सच एक नहीं होता, मल्टीपल ट्रुथ्स होती है जी। जब आप एक सच पे आ जाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, तो आप किसी ना किसी जेंडर को भी ओवरलुक कर जाते हैं, किसी ना किसी कम्युनिटी को भी ओवरलुक कर जाते हैं, समझ आ रही, किसी ना किसी रेस को कॉर्नर्ड कर जाते हैं। इन्हीं एस्पेक्ट्स पर हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज आईआर में मिलती है, पार्शली कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, फुल फ्लेज रेस थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, समझ आ रही। ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेंडर, किसी रेस, किसी कम्युनिटी, उसकी बात, समझ आ रही जी। सो ये किसी भी ऑर्गेनाइज्ड लॉज के मुताबिक ऑपरेट नहीं करते, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है और इनमें कुछ सबस्टांटिव है।
सबस्टांटिव एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, कोई रेस हो सकती है, कोई जेंडर हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूट इनका वर्ल्ड व्यू सिरे से है ही नहीं, क्योंकि ये अपनी सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, अपने सिर्फ ब्लैक्स की बात कर रहे हैं, अपनी एक खास रेस या एक खास कम्युनिटी खास इशू पे बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो थ्योरी कि जो आपको कोई वर्ल्ड व्यू ना दे रही हो, क्योंकि पिछली दो अभी ट्रेडिशन में जो हमने बात की है वो वर्ल्ड व्यू दे रही है, ठीक है, ये वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट कर। हाँ, इनमें एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म करेंगे हम उसको डिटेल में करेंगे, वो आपको एक वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा पेश करते हैं। तो इसलिए हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूटिव है और कौन सी सबस्टांटिव है, तो थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू पेश करते हैं, लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू उसमें भी फिर क्रिटिसिज्म और डाउट्स वो प्रिवेल करते हैं कॉन्टिन्यूसली। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस यूनिवर्सल ट्रेडिशन और क्लासिकल ट्रेडिशन के साथ कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये अपोजिशनल है पूरे इन अपोजिशन टू यूनिवर्सल एंड क्लासिकल ट्रेडिशन, सही जी। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर जहन में होना जरूरी है जब आप आईआर की थ्योरीज का सफर चलाने लगे, सही है जी। एक तो ये चीज कि जी कौन सी रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं जिनको ये फॉलो आईआर में होती है, हमें नजर आती है। इन तीन से बाहर कोई आईआर की थ्योरी कोई, देखें जी रियलिज्म हो गया बात कर ली, सारा क्लासिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म मार्क्सिज्म सारा यूनिवर्सल ट्रेडिशन, सही है जी। और जितनी बाकी थ्योरी है आपकी वो सारी वन वे और दी अदर पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच में ऑपरेट कर रहे हैं, क्लियर है जी। अब चलते हैं अगली बात पे। अगली बात ये है कि अगर रियलिज्म, किसी भी तरह का रियलिज्म जब उसको पढ़ें तो उसमें हमें नजर आएगा कि वो बात करेंगे स्टेटिज्म, स्टेट इंपॉर्टेंट सबसे, स्टेट नहीं करना है जो करना, सही जी। लेकिन क्लासिकल रियलिज्म इसकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चरल रियलिज्म से डिफरेंट है। क्लासिकल रियलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा स्टेट, यूनिट ऑफ एनालिसिस स्टेट। जब हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ेंगे तो यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा स्ट्रक्चर, हमें नहीं पता अभी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन मतलब कि सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो वो स्टेट के इर्द गिर्द ताने बाने बुन के नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर को समझ के हमें स्टेट की चॉइसेस और बिहेवियर समझ आए। तो ऊपर वाली से तो फर्क आ गया, यानी इसका न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, हमें नहीं पता क्या है ये, लेकिन स्टेट तो नहीं है, ये कोई और चीज है, एक ही रियलिज्म है और उसमें हम कहते हैं स्टेटिज्म। तो यहां ये स्ट्रक्चर रियलिज्म में फिर ये क्यों चीज आ गई, ये क्या बात हो। सो इसका मतलब हुआ कि इनके दरमियान भी कोई फर्क है, ये इनके दरमियान के फर्क कैसे हम गेज करेंगे, रट्टे मारेंगे, याद करेंगे। इसी तरह अगर हम आ जाएं लिबरलिज्म में, तो लिबरलिज्म में आपको जो पहला डिसिप्लिन में लिबरलिज्म हमें नजर आता है वो आता है जनाब लिबरल, यानी डिसिप्लिन से पहले मौजूद है, बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन का हिस्सा बन गया, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, सही। लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहता है कि जनाब पीस नेचुरल है, सही। जब आता है लिबरल आइडियलिज्म, आईआर की पहली थ्योरी, ये कहता है पीस कंस्ट्रक्शन है, समझ आ रही है जी। लिबरल इंटरनेशनलिज्म इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस है इंडिविजुअल, लिबरल आइडियलिज्म का यूनिट ऑफ एनालिसिस है स्टेट। और फिर हम आगे पढ़ेंगे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म नहीं है, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस बना देते हैं इंस्टीट्यूशंस, सही है जी। हालांकि अभी तो हमने पीछे वाले हेडर में बात की, हैं ये सारे यूनिवर्सल ट्रेडिशन में, ये सारे
सब यही बात करेंगे, डिग्री ऑफ पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कैसे हो, लेकिन हर एक का नुक्ता नजर एक दूसरे से हल्का फुल्का डिफरेंट है। ये डिफरेंस अब कैसे याद होगा, ये इनके रटे चलेंगे तो डेफिनेटली रटे तो नहीं चलेंगे। सो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज पहले तो होगी ना, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को गेज करना, तो पता हो हमें, अभी तक उसने हमें पेपर में व्हाट इज आईआर थ्योरी, करेक्टरिस्टिक्स और इस तरह के एस्पेक्ट्स पे सवाल जो है वो नहीं पूछा। ये अभी पिछले सिलेबस में वो पूछ गया हल्का सा सवाल, लेकिन वो भी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थे, वो खसूसियात की बुनियाद पर जो उनकी तकसीम है उस पर हल्का सा सवाल वो पूछ गया, जिसको हमारे यहाँ और फ्याम में स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने या अकेडमीज वाले भी, उन्होंने जनाब उसको मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डिबेट है आईआर में, उसको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म ही समझ लिया, उन्होंने यही है। अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक चीज नहीं है। जब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की डिबेट आएगी थ्योरी में, बात करेंगे कौन सी मॉडर्निस्ट है कौन सी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, तो वो उनकी खसूसियात की बुनियाद पर आप सेग्रीगेशन करेंगे। और जब सवाल आ जाएगा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तब आप उनके तरीकाकार पे, मेथडोलॉजी पर बात करेंगे कि मेथडोलॉजिकली कौन सी थ्योरी पॉजिटिविस्ट है और कौन सी थ्योरी पोस्ट पॉजिटिविस्ट, तो इनमें फर्क है। लेकिन उर्फ में हम इनको एक साथ ही जोड़ देते हैं कि ये एक ही चीज, टाइम बचाने के लिए भी, इनको पता भी नहीं होता। लो जी, तो इसका मतलब है कि एक ट्रेडिशन वाला जो आइडिया हमने देख लिया, उसके बाद अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है थेरीज को समझने के लिए, वो फिर क्या है, मेथोडोलॉजी। क्यों? क्योंकि एक लिबरलिज्म नहीं है, कई लिबरलिज्म है। अंडरलाइन एजम्पशन, बेसिक प्रिंसिपल तमाम लिबरलिज्म यूनिवर्सल ट्रेडिशन से उठाएंगे, लेकिन उनके दरमियान का फर्क वो मेथोडोलॉजी बेस्ड, तरीकाकार क्या डेवलप कर। सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, जो भी आप तजर्बा करना चाह रहे, जो भी आप बात करने जा रहे, सो आपका मेथड क्या है, किस तरीके से आपने काम किया, लेबोरेटरी में आपने क्या चीजें इकट्ठी की, उनको कितने फ्लेम पे रखा, उससे क्या चीज बनी, वो सारा क्या आपका मेथडोलॉजी, क्या मेथडोलॉजी फॉलो की आप। इसी तरह सोशल साइंसेज में कि आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला टॉपिक करवाया ना जी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ओ जी क्या बात है जी, हर जगह अप्लाई होता नजर आ रहा है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन जब इसका क्रिटिसिज्म किया था तो क्रिटिसिज्म में सारा पहला पॉइंट क्या था, मेथोडोलॉजी। तू ये तो बता कि तूने 8 सिविलाइजेशन किस मेथड पे ली, ना ये ज्योग्राफी पे, ना ये कलर पे है, ना ये रेस पे है, समझ आ रही है। और जो एग्रीड अपॉन 2 बड़े सिविलाइजेशन के थेरिस्ट हैं, टोइनबी और विल्डोरांट, वो जिस तरह सिविलाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तूने तो किया ही नहीं इस तरह। अब उसका आइडिया क्या है, बड़ा जानदार आइडिया, हाँ हाँ नजर आता है दुनिया में अप्लाई हो रहा है जी, दुनिया तो ऐसी चल रही है जी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होते नजर आ रहे हैं हमें, क्या बात है जबरदस्त, लेकिन क्रिटिसिज्म मेथोडोलॉजी का, मेथोडोलॉजी वीक है तो आपका आइडिया जितना मर्जी तगड़ा है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में वो सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन वही चीज करेगी ज्यादा जो मेथोडोलॉजिकली साउंड है, सही। मेथोडोलॉजिकली आईआर की थ्योरीज फिर हमें 2 हिस्सों में तकसीम नजर आती है, ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी, तरीकाकार, आयकार, जिनमें कुछ थ्योरीज आपको मिलेंगी जिनको आप कहेंगे पॉजिटिविस्ट थ्योरीज, और कुछ थ्योरीज आपको मिलेंगी जिनको आप कहेंगे पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज। समझ आ रही जी बात की, क्लियर है? पॉजिटिविस्ट थ्योरीज एक सच को तलाश करने की कोशिश करें, सही। पॉजिटिविस्ट थ्योरीज आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन सिस्टम की, अब पॉइंट वाइज पीछे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिकली जो हमने डिवीजन किया ट्रेडिशंस को लेके, मिलते जुलते पॉइंट्स, लेकिन जब इसके अंदर हम घुसते जाएंगे तो तरीकाकार डिफरेंट होंगे।
करेक्टरिस्टिकली इस थेरीज की डिवीजन में आप ये बात नहीं करेंगे कौन सी थेरी बिहेवियरल अप्रोच पे है, कौन सी थेरी साइंटिफिक है नहीं है, कौन सी थेरी ट्रेडिशनल अप्रोच पे है, वहां ये बातें नहीं करेंगे, यहां करेंगे। सही है जी? सो जनाब बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। सही, तमाम तरह का आप इस पॉजिटिविज्म के अंदर फिर हमें जो वेरिएशन मिलती हैं, तीन बड़ी वेरिएशन हमें मिलती हैं पॉजिटिविज्म। एक हमें मिलती है इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस मेथोडोलॉजी है ये, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस पॉजिटिविज्म। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें सबसे बड़ा काम है वो आईआर की पहली थ्योरी, विड्रो विल्सन और ये सारे जो हैं वो उनके काम इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ये बेसिकली जो मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क है आईआर का, ये डिराइव्ड है पॉलिटिकल साइंस से। जो मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क है आईआर का, यानी आईआर की स्टडी एज अ डिसिप्लिन, आपने इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ ली, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल्स के लिए फिर हिस्ट्री में चले गए, फॉरेन पॉलिसीज पढ़ रही हैं उनमें फिर पास्ट की बातें आ गई। यानी आईआर एज अ डिसिप्लिन को जब आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हिस्टोरिकल आपका सफेयर अगर तैयार नहीं है तो आप आईआर एज अ डिसिप्लिन की स्टडी नहीं कर सकते। सही, लेकिन जहां बात आ जाएगी आईआर में रिसर्च वर्क की तो उसके लिए फिर आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो डिराइव होती है फ्रॉम, इसीलिए कहते हैं कि आईआर इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। समझ आ रही है? तो जो मेथोडोलॉजी है रिसर्च की इंटरनेशनल रिलेशंस में वो हिस्ट्री से डिराइव नहीं, वो पॉलिटिकल साइंस से डिराइव प्रॉपर। सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आईआर में हिस्टोरिकल मेथड इस्तेमाल नहीं हुए, हुए हैं, कम हुए, बहुत कम, उन पे भी क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर बाद में कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, उसने दोबारा थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश की है। वो ये बात की बात है। अभी तो एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, इसमें भी हमें आईआर में थ्योरीज डेवलप होती नजर आती। सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें लिबरल आइडियलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी इसी में आ जाता है। आओ हम एक ऐसा फ्रेमवर्क दें दुनिया को कि उसमें चले। सही है जी? दूसरी बड़ी पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी जो इंटरनेशनल रिलेशन में ऑपरेट करती है उसको कहते हैं रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस का फ्रेमवर्क ये हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी, एक मुकम्मल सिस्टमैटिक है साइंटिफिक मॉडल पर आईआर की स्टडी होनी चाहिए। साइंटिफिक कभी गैर, उसको आप रैशनल को और साइंटिफिक पैटर्न को अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहों पर है। मसलन मॉर्गेंथो, मॉर्गेंथो क्लेम करता है कि भाई मेरा जो काम है वो साइंटिफिक है। बाद में आने वाले कहते हैं नहीं, इसका काम साइंटिफिक नहीं था, लेकिन वो क्लेम करता है। लेकिन अगर हमें उसको साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक की डिबेट से निकालना है तो जनाब रैशनल। समझ आ रही? और फिर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, वो भी हम टॉपिक करेंगे आगे चल के। तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में तो पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ही जो है वो रैशनल चॉइस के बगैर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग आगे बढ़ती नहीं आप। सो ये भी एज अ पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। और तीसरी फिर पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी जो आईआर में ऑपरेट करती है वो है बिहेवियरलिज्म। सही, बिहेवियरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में न्योरियलिज्म, न्योलिबरलिज्म, ये जो थ्योरीज हैं वो बिहेवियरलिज्म के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं। तो हमें इन मेथोडोलॉजीज का पता हो तो इनमें फिर कौन सी थ्योरी डेवलप हुई। अब जरूरी नहीं है कि रियलिज्म एक अलग चीज है और लिबरलिज्म एक अलग है, ऐसा ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लिबरलिज्म की मेथोडोलॉजीज और रियलिज्म की मेथोडोलॉजीज डिफरेंट हो।
सेम भी हो सकते, मसलन न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, दोनों मेथोडोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियरल अप्रोच पर मबनी थेरीज, दोनों सही है जी। क्लासिकल रियलिज्म एंड लिबरल आइडियलिज्म दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच पर मबनी, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच मेथोडोलॉजी वाइज उस पर मबनी, सही है। हम आसान कर लेते हैं इन दोनों को जो है ना डिसिप्लिन में वो इकट्ठा कर लेते, पार्शली रैशनल चॉइस, बाकी इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस को मिला के हम उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पॉलिटिकल साइंस में ये जरा स्पेसिफिक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मेथोडोलॉजी से बनने वाली थ्योरी, यानी दो डिफरेंट थ्योरीज हैं और उनकी मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट हो, जरूरी नहीं। दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, मेथोडोलॉजी सेम हो सकती है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से रियलिज्म भी बना, ट्रेडिशनल अप्रोच से लिबरलिज्म भी बना, बिहेवियरल अप्रोच से रियलिज्म भी बना, बिहेवियरल अप्रोच से लिबरलिज्म, यानी कि जो वैरायटीज हैं वो डेवलप हुई हैं। सो मेथोडोलॉजिकली चीजों को समझना फिर बड़ा जो है वो जरूरी है, ये समझ आती जी बात की। और फिर आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, हम ये पूरा टॉपिक करेंगे, आज का तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हमने डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर तमाम थेरीज, वो ये तमाम मेथोडोलॉजीज, फिर अलग अलग बिहेवियरलिज्म ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हमने करनी है। लेकिन ये जो पहला बेसिक लेक्चर है, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि आईआर की थेरी वो सिंपल ये नहीं है कि आपने चार पांच छह पॉइंट्स फीचर याद कर लिए तो जी काम हो गया हमारा। लेट्स से उसने पेपर में एक दफा आपसे सवाल पूछा कि जनाब न्यू रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इनके दरमियान कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो आप बताएं, सही है जी। अब कहाँ कहाँ ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जाएगी ना जी। सो जिसकी बेस तैयार होगी वो ऑटोमेटिकली यहीं से शुरू होगा कि जनाब न्यू रियलिस्ट ये क्लासिकल ट्रेडिशन पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट पार्शली पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो अप्रोच या ट्रेडिशन पे, क्योंकि अब भी वो इक्वल टू ट्रेडिशन ही हो गई है किसम, सही है जी। फिर वो आएगा बताएगा मेथोडोलॉजिकली इनके दरमियान कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, न्यू रियलिज्म कौन सी मेथोडोलॉजी से बना, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सी मेथोडोलॉजी से बना, सही है जी। क्लियर होती बात। पार्शली पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, यानी अर्ली जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उनमें पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट मिक्स, और लेटर आफ के जो कंस्ट्रक्टिविस्ट वो पूरे पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ये बात समझ आ रही। सो आप कैसे, आप क्या लिखेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में, फिर फीचर्स को कंपेयर करेंगे ना जी। तो फीचर्स का कंपेरिजन उस वक्त तक नहीं होता जब तक आपकी ये पिछली बेस तैयार ना हो, वरना फिर सीनियर नीरा रट्टा है, सही, ये समझ आती जी बात की। अब पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिर कौन कौन सी हमें जो है वो बड़ा काम मिलता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो सबसे बड़ी अप्रोच जिस सारी थेरीज में जो कॉमन हमें मिलती है वो है एंटी फाउंडेशनलिज्म, एंटी फाउंडेशनलिज्म, सही। और फिर जो कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन है वही यहां पर फिर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच भी यूज होती है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है और ये एंटी फाउंडेशनल है, ये सारी थियरीज फाउंडेशनल है। सो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि फिर फाउंडेशनल, और जब हम इनके कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिविज्म के पोस्ट पॉजिटिविज्म के मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न के, इनके कंपैरिजन के भाई फाउंडेशनल और एंटी फाउंडेशनल क्या है, एक्सप्लेनेटरी कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, वो हमें यानी ये पता होना चाहिए। अभी के लेक्चर में हम उसका ब्रीफ स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि भाई ये कहानियां हैं कि इनको जहन में रखते हुए आईआर की थ्योरी शुरू कर रहे हैं, कि हम जो भी थ्योरी शुरू करें हमें पहले पता हो कि ये करेक्टरिस्टिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, ये मेथोडोलॉजिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, सही है जी। फिर जनाब ये दूसरा काम हो गया, यानी एक काम हमने कर लिया कि करेक्टरिस्टिकली अपनी खसूसियात के लिहाज से थेरी कहां से ओरिजिनेट हो रही, और फिर मेथोडोलॉजिकली।
तीन बड़ी मेथोडोलॉजीज तो हमने करनी करनी है जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है जी, बिहेवियरल अप्रोच, उसके बाद आपका ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट मिला के एंटी फाउंडेशनल एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क, तीन बड़ी तो मेथोडोलॉजीज हमने करनी कर, बाकी हल्का फुल्का हाथ बाकियों को लगा लेंगे, लेकिन ये तीन बड़ी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद अगली जो चीज है, अगली चीज फिर ये है कि हमारा थेरीज को चलाने का तरीका यही होगा, हम जब भी कोई थेरी पकड़ेंगे हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, ट्रेडिशन तो फौरन क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो हमारा जो तरीका होगा चलने का वो यही होगा कि पहले हम कोई भी थेरी उसकी उसके मेथड्स को, उसकी मेथोडोलॉजी को लेके चलें, उस मेथोडोलॉजी में कितनी थेरीज बनी उनको देखें। मसलन हमारा जो पहला काम होना है वो काम यही होना है कि जनाब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है आईआर में एज अ मेथोडोलॉजी, सही है जी। इसी में थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का भी को भी हाईलाइट कर दिया, इसमें थोड़ा सा रैशनल चॉइस को भी हाईलाइट कर दिया, वो इंडिपेंडेंट डोमेन भी है रैशनल चॉइस, तो जब हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे उससे पहले उसको क्लियर करें। ट्रेडिशनल अप्रोच एज अ मेथोडोलॉजी क्या है, सही है जी, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। इस ट्रेडिशनल अप्रोच पर आईआर की दो थ्योरीज बनी, एक का नाम है लिबरल आइडियलिज्म और दूसरे का नाम है क्लासिकल रियलिज्म। अब दोनों थ्योरीज डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन मेथोडोलॉजी सेम है। मेथोडोलॉजी पता होगी तो डिफरेंस तो इनके दरमियान ट्रेडिशन की वजह से है ना, कोई क्लासिकल ट्रेडिशन का मानने वाला, कोई यूनिवर्सल का, ठीक है, उस पे ही आगे फिर चीजें बनेंगी, फिर इनके छोटे छोटे फीचर्स, हम उन फीचर्स में रहते हुए ही समझते हैं कि हमारा आईआर हो गया, उस ऊपर नहीं जाते। इन दोनों के डिफरेंस पे आईआर की फर्स्ट ग्रेट डिबेट कॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्स्ट ग्रेट डिबेट, सही है जी? हम फिर उसको देखेंगे। फिर इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में ये ट्रेडिशनल अप्रोच है सोशल साइंसेस, हम देखेंगे फिर कि साइंटिफिक अप्रोच भी या साइंटिफिक मेथड्स भी आईआर में आए, क्या अप्रोच थी वो, क्या साइंटिफिक मेथड्स जो आईआर में घुसने की कोशिश जिन्होंने की, जिसके तनाजुर में फिर एक अप्रोच डेवलप हुई जिसको कहते हैं सिस्टम्स अप्रोच, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सही है जी। फिर इस सिस्टम अप्रोच के अगेंस्ट हमें फिर इवॉल्व होता हुआ आइडिया नजर आया, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी जिसने इसको रिबटल किया, तो इनका कंपैरिजन, सही। इस इंटरनेशनल सोसाइटी के आइडिया से और इस रिबटल से आईआर में ये समझ आ गई बात कि भाई नहीं, मुकम्मल साइंटिफिक मेथड्स पर आईआर नहीं चल सकती मुकम्मल। सो एक साइंटिफिक होनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ एस्पेक्ट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के भी होने चाहिए। इससे कॉन्स्टिट्यूट हुई आईआर की तीसरी मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच, सही है जी। तो क्या है बिहेवियरल अप्रोच, उसको देखें, और बिहेवियरल अप्रोच के साथ फिर हम देखेंगे इसमें न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। अब बिहेवियरल अप्रोच इन रिस्पॉन्स टू साइंटिफिक एंड इन रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल है, बट थोड़े बहुत एस्पेक्ट साइंटिफिक के भी उठाता है, थोड़े बहुत, सारे नहीं, थोड़े बहुत, लेकिन इन दोनों के दरमियान मेथोडोलॉजिकल जो डिबेट है, क्योंकि आईआर की स्कॉलरशिप सारी यहां से निकली है, साइंटिफिक मेथड से आईआर की स्कॉलरशिप नहीं निकली, साइंटिफिक मेथड से आईआर के डिस्ट्रॉयर्स एंड सेवियर्स सामने आए, यानी सिस्टम अप्रोच को कि यार ये तो आईआर को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो फिर सेवियर इंटरनेशनल हार्ड लेबल ये लोग निकले, लेकिन इन दो बड़ी मेथोडोलॉजीज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है सेकेंड
ग्रेट डिबेट, इन दो यानी एक डिबेट है दो थेरीज के दरमियान, और सेकंड डिबेट तो आईआर में है ही क्या, मेथोडोलॉजी की डिबेट, कौन सी मेथोडोलॉजी बेहतर है जी। सही है जी, ये दो हो गई। और उसके बाद फिर चौथा जो आस्पेक्ट है आईआर में कि अच्छा जी, अब ये जो सारे का सारा फ्रेमवर्क है ना जी, ये सब सच की तलाश में निकले, सब ने अपने अपने तरीके से चीजों को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो हमने लिखा अभी सारा, ये सारा क्या हो गया, पॉजिटिविज्म। कोई एक दो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि ये सारा क्या हो गया, पॉजिटिविज्म। सही है जी, इन रिस्पॉन्स टू दिस पॉजिटिविज्म हमें फिर अगली मेथोडोलॉजी मिलती जिसको कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। सही है जी, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ट्रेडिशन वाइज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो हमें इसी में सबसे पहले फिर जरा सेग्रीगेशन बिटवीन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की सेग्रीगेशन का पता होना चाहिए। सही है जी, फिर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को भी देखेंगे यहाँ, फिर फेमिनिज्म को भी देखेंगे जो आपके सिलेबस के लिहाज से, वैसे तो आगे पूरी लाइन चल रही है स्पोर्ट्स वाले क्रिटिकल रेस थ्योरी भी है, लेकिन इनको देखेंगे फिर। सही है जी, और फिर इस पॉजिटिविज्म और इस पोस्ट पॉजिटिविज्म के दरमियान, अच्छा यहाँ पे भी डिबेट है, सॉरी ये इस रियलिज्म और न्यो रियलिज्म के दरमियान जो डिबेट है इसको कहते हैं थर्ड डिबेट। सही जी, और फिर पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दो थेरीज की डिबेट होगी, ये दो थेरीज की डिबेट होगी, ये मेथड की डिबेट है, और यहाँ पे भी क्या है, फोर्थ डिबेट भी क्या है, मेथड की डिबेट। यानी आईआर के डिसिप्लिन में चार डिबेट्स हैं, कुछ पांच भी लिख देते हैं, इंटर पैराडाइम डिबेट चौथी बना के पांचवी, लेकिन सेटल फैक्ट यही है चार। तो इन चार डिबेट्स में से दो डिबेट्स अगर थेरीज पे हैं तो वो तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते जब तक आप उनके पीछे छुपी ट्रेडिशनल और बिहेवियर अप्रोच की डिबेट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सो मेथोडोलॉजी जब तक क्लियर नहीं है आईआर की थ्योरी की, तो आप फिर वो हवा में ही है थ्योरी, क्लियर है जी। सो हमारा पैटर्न जो है, वो जो मेरा फिर थ्योरी पढ़ाने का पैटर्न है, वो फिर हम मेथोडोलॉजी के लिए चलते हैं। मेथड क्लियर तो फिर उसकी थ्योरी क्लियर, मेथड क्लियर तो थ्योरी क्लियर, और ये हम कोई डिसिप्लिन से बाहर जाके या कोई इसको कंप्लेक्स नहीं कर रहे। 2017 में पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म पे सवाल आया कंपैरिजन, सही है। फिर ये दोबारा 2018 में रियलिज्म न्यू रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, उसमें भी आप उसकी मेथोडोलॉजिकल डाइवर्जेंस तो बताएंगे बताएंगे ना जी, नहीं पता होगी तो हवाओं में बात है, बस थोड़े बहुत फीचर उसके लिख दिए उसके लिख दिए। फिर 2020 में दोबारा सवाल रिपीट हुआ, और 2021 में फिर हमें दोबारा मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट थ्योरीज एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज का फर्क वो आ गया। सही है जी, 6 साल के पेपर है आपके पास अभी तक, तो 4 दफा तो आपके पास इसी, यानी आपने अगर घुसे नहीं आप थ्योरी में तो आप फिर सरफस पे रह के 5-6 फीचर ही याद कर सकते। ये बात होगी। अब आ गई आखिरी बात, आखिरी बात, ये जब थ्योरीज का सफर हमारा खत्म होगा तो उसके बाद फिर हम एक एक हम उसको कोई फिलोसोफाइज ज्यादा तो नहीं कर रहे, लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी, एपिस्टेमोलॉजी जरूरत नहीं है ज्यादा उसको फिलोसोफाइज करने की, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। हमें यहां समझने के लिए ये जरूरी है, बड़ा आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली, सारा काम कर लिया, सारी मेथोडोलॉजीज देख ली, अब हमारा फिर 1 से 2 जो सेशन है, और प्लस में उसके समय अब रीडिंग भी आपको दूंगी,
कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म, ब्ला ब्ला। कॉन्सेप्ट है जी स्टेट का, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लिबरलिज्म स्टेट को कैसे डिफाइन करता है, रियलिज्म कैसे करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे करता है। कॉन्सेप्ट है जी फॉरेन पॉलिसी, मुझे पता होगा इस स्टेज पर आके कि मेरी तमाम थेरीज फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या व्यू रखती। कॉन्सेप्ट है पावर, तमाम थेरीज पावर पे क्या व्यू रखती है। नेशनल इंटरेस्ट, तमाम थेरीज इस पर क्या व्यू रखती है। सो मेरी तमाम थेरीज पर जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मेरी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन, जो कि आपकी नहीं है, पढ़ के बनी, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपकी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन डेवलप हो जाए। वो होनी आपकी नहीं है, वो तो जो लिखा हुआ किताब में वही होनी, उससे बाहर नहीं जाना। सही। फिर इंस्टीट्यूशंस, उस पर सारी थी। फिर वर्ल्ड ऑर्डर, सारी थीरीज क्या कहते हैं। वायलेंस पे सब क्या, ह्यूमन राइट्स पे सब क्या कहते हैं। सो वो हमारी एक सब की एक हमारी स्टडी ऑफ नॉलेज डेवलप होनी शुरू हो जाए। तो ये स्टेज अगर हमारे पास आ गई तो इसका फायदा ये है कि अगर आपको पेपर में किसी भी कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट, आपको वॉर पे आ रहा है सपोज, आपको डेटरेंस पे आ रहा है सपोज, तो आपको पहले ही पता हो कि भाई थेरीज आईआर की वॉर पे क्या कहती हैं, थेरीज आईआर की डेटरेंस पे क्या कहती हैं। उनको रट्टे नहीं मारने, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, रट्टा भी नहीं मारना, भाई उसको आपने अपनी सेंस कम्युनिकेट करनी कि भाई मैं डिसिप्लिन में से घुस के निकल आया। सो थेरी का पोर्शन वो आपके आधे कॉन्सेप्ट आसान कर देता, समझ आ रही। और जब कहीं लेट से आखिरी एग्जाम्पल आज की, आप कहीं बाहर चले जाएं, तो बंदा कोई आईआर का स्टूडेंट है, पढ़ा हुआ है या एक आधी अटेम्प्ट दी हुई, आप उसको कहें यार दुनिया ने बड़ा काम किया, देखो जी दुनिया ने ना नॉन प्रोलिफरेशन को लेके बड़ा काम किया, और इसमें सबसे बड़ी तो क्या बनाई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऐसा ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जनाब, और सब उसको अबाइड बाय करेंगे, जो नहीं करेगा उस पर सैंक्शन लगेंगी, और जनाब काफी हद तक प्रोलिफरेशन को कंट्रोल कर ली। सही है जी, अच्छी डेवलपमेंट है ना, अपेरेंटली पीस, कि जनाब ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी हथियार ना बन जाए। सो प्रोलिफरेशन रोको, कैसे रोको, आपने प्रोविजंस बना दी एनपीटी की, लार्ज दो तीन चार कंट्रीज को, तीन चार को छोड़ के बाकी सारी जो है वो भी हो गई, मेंबर भी हो गई, अच्छी चीज है। आप उससे पूछो यार इस पे तेरे ख्याल में लिबरलिज्म क्या कहता है, तो जो इंटेलेक्चुअल गैस आता है वो क्या आता है कि हाँ ये तो काम ही लिबरल्स का, आओ ग्लोबल लेवल पर एक ट्रीटी इक्वलन टू द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएन की प्रोटेक्शन, फिर अगर कोई वायलेट करेगा तो सैंक्शन, तो ये तो फ्रेमवर्क ही लिबरलिज्म का। सही। लेकिन जब आप थ्योरी में घुसेंगे आपको पता लगेगा कि लिबरलिज्म सबसे ज्यादा क्रिटिक करता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि लिबरलिज्म कहता है मुझे तो वो फ्रेमवर्क चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं होगा ऐसी कोई भी ट्रीटीज जितनी मर्जी कर लो उनका फायदा ही कोई नहीं। वो एनवायरनमेंट क्या चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पर जनाब एक एक जो है वो जो पीस का एनवायरनमेंट है वो डेवलप हो रहा हो, इंटरेक्शंस हो, इंटरडिपेंडेंस हो, ये काम जब हो रहे होंगे तो तभी ऐसी ट्रीटीज इनकी कंप्लायंस बेहतर होगी, वरना इनकी ऐसी ट्रीटीज की कंप्लायंस बेहतर नहीं होगी। अब ये लिबरलिज्म कह रहा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे, समझ आ गई। होता क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स ने, ऐसे टीचर्स ने, उन्होंने जी नॉन प्रोलिफरेशन को, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन लिबरल्स का आइडिया, सही है, तो जो नॉन प्रोलिफरेशन का आइडिया वही समझते हैं फिर कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे भी वही व्यू है, क्योंकि ट्रीटी तो वो कहते हैं जनाब नहीं, जब तक वो एक एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा ग्लोब का, उसमें रहते हुए आप ट्रीटी को अबाइड बाय नहीं। ये समझ आ रही है। अब ये हल्की सी वो चीज है कि जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं एग्जामिनर को नजर आ जाती, जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल गैस मारने की कोशिश करता है, जो कहता है बस ठीक है कॉमन सेंस की बात है चला दो,
इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस चला दो तो पकड़ा जाता है, समझ आ रही है? तो वो जितना फिर थेरीज के अंदर आप घुसेंगे उतना आपका फिर कॉन्सेप्ट्स पे भी अंडरस्टैंडिंग तो पढ़ना पड़ेगा, साथ रीड करना पड़ेगा। थेरीज के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज ध्यान में रखिएगा जी, जो आपको सोर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया आपने अगली क्लास में उसको पढ़ के आना, नहीं समझ आती कुछ लाइनों की ना आए लेकिन पढ़ के आना। थेरी के पोर्शन में मैं सोर्स एडवांस में दे रहा होता हूँ, एडवांस में वो आपने अगले दिन पढ़ के आना। कुछ नहीं समझ आ रही चीज तो कोई नहीं, जो कुछ तो मीनिंग समझ आ रहा ना उसका तो हो सकता गलत ही हो, अगले दिन के लेक्चर में फिर वो आपको और फर्दर क्लियर हो जाएगा कि वो अच्छा ये तो ये बात थी, और अगर आपने पढ़ के आए हुए तो समझ आई हुई है तो वो फर्दर और क्लियर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी बात, क्योंकि किसी और के मुंह से आपने फिर वही बात सुनी तो वो पक्की हो जाएगी। थेरी का पोर्शन चलना ही ऐसे कि जो सोर्स दे रही है, अगर आपकी थेरी टाइमली साथ साथ ना चली तो जब मैंने कॉन्सेप्ट में जाना है तो मेरे कॉन्सेप्ट तो जो है वो फौरन फौरन खत्म हो रहे होते, पावर के कॉन्सेप्ट पे आधे घंटे का लेक्चर चलना बस। क्यों? क्योंकि मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट का आधा सवाल पावर का तैयार है कि जी थेरीज क्या कहती है पावर, मैं तो उसका फिर बताना है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंग्रीडियंट्स क्या है, टेंजिबल इनटेंजिबल नेशनल पावर के एलिमेंट्स क्या है, दैट्स इट। तो वहां फिर सारे फिर रेपिटेशन नहीं चल रही, तो ये ज़हन में रखिएगा। ये आज की बात थी जी, और रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेता हूँ।